वो विदाई हमले में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा एक भाई है, मेरा भाई डरता है, मुझे कोई गम नहीं, मैं करने जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं ये बटन दबाना है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा भाई भी इसी रास्ते को इख्तियार करे, जियाद को अपना रास्ता बनाए। Ah, what is it then? That is you. Yeah. Don't shoot! Chocolate? Bus! Bus! Narsha! Narsha, Vus! Vahde har gham davavi! Narsha! Narsha! अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल्ला कजार कुनार से लेकर नूरिस्तान का कमांडर हूं।
इस सूबे से सब ने मार खाई, रूस ने भी और अमेरिका ने भी। इसको तबाह करना मतलब पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा। इनको हम तालिबान से बहुत खौफ। इनको या इनकी मरकज यानी इनकी चौकी पे निपटा के फिर काबुल में निपटेंगे। ये बाहर के सब लोग सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए आए। मगरीबी ताकतों के साथ देने वाला अफगान और दूसरा मुल्क भी हमारा दुश्मन, हमारे निशाने पे है। शबो खैर आमिर साहिब, अजहर का पक्का रिपोर्ट है कि वजह जरदा में इसी गांव में बैठा है। कुश्त के एंट्री पॉइंट के पास नीचे वाला सारा इलाका तालिबान का है। कुशत बॉम द विलेज, सब हमारे। सर वो आप लोग ऐसे ये बाहर का लोग इंसान नहीं, शैतान, काफिर, और इस मुल्क अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा इनका दुश्मन। मुरिस्तान, काबुल आर द स्लेटर हाउस ऑफ अमेरिका। अब इनका मरकज, इनके ठिकानों पे इनका कब्र बनेगा। कसम, we will achieve this by making our children suicide bombers. I'm just looking for him. Excuse me, sir. Are you Mr. Nasir Khan? Excuse me, sir. Are you Mr. Nasir Khan? आप ठीक तो हैं? Boarding के लिए last call है, sir. Please come for boarding. I've lost my boarding card. Salam, Dosteman. Khush amadeed. Long time no see. Thank you for coming. I know ye mushkil tha aapke liye. Tashakkur. Sorry, maine aapke emails aur phone calls ka jawab. I know. I can understand. Par bharosa tha ki aap aayenge. Isliye himmat nahi chhodi. Ye Abdullah. Salam sahab. Abdullah aapko guest house chhod dega. Thank you.
जी सर, आप बुलाई? वो लेबनीज में 5 मरी और ली जार्डन में 12 मरी। हाँ बराबर। क्यों? अब 4-5 तो मरती रहती ना सर, इतना तो नॉर्मल है। सादिक, क्या चल रहा है उधर? कोई कैमरा वाला आया क्या इंटरव्यू के लिए? उसको छोड़, वो जो 3 लड़के हैं ना, जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप से आए थे, उनके पास असली बॉल है, क्रिकेट बॉल, जिससे मैच खेलते। असली क्रिकेट बॉल पाकिस्तान से? बॉल दिखा दे। बॉल ना, इसको बॉल दिखाने, हम थोड़ी ना निकल जाएंगे इसकी बॉल। दिखा दे बॉल। अरे बॉल, बॉल दिखाना। चोरी किया क्या? 2 दिन पहले आया और चोरी शुरू। खेलेंगे, सब खेलेंगे। अरे अमरीकी कंपाउंड के बाद मेरे बॉल घूम गया था। लालू वाला गुलाब भाई उड़ाया इसने। क्या बोल रहा है तू? हम लोग पाकिस्तान से लाए ये बॉल। दूर से देखो असली बॉल है। अफरीदी भी खेला है इस बॉल से, 6 विकेट लिए हैं उसने इससे। 6? अफरीदी का बॉल तुमको कहाँ से मिला? कहाँ से क्या, मैच से मिली है बॉल। हम तो अक्सर मैच देखने जाता है पाकिस्तान में। हम तो सब प्लेयर से मिला है पाकिस्तान में, विराट कोहली से भी मिली। झूठ बोलता है, झूठा है ये लोग। अब्बू कसम सब प्लेयर से मिली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो सब प्लेयर आते हैं, अफगानिस्तान में नहीं। बम ब्लास्ट से डरते हैं ना। इस कैंप में सबका अब्बा कौन? गुलाबुद्दीन। गुलाबुद्दीन, आज से ये बॉल मेरा हुआ। गुलाब भाई, मेरा मशवरा है, अब जरा करो, बात करो, बात करो। बाल हमारी है, खेलना है तो बैट लेकर आओ, असली बाल के साथ असली बैट, है ना बाज? ठीक है। अरे शेर, शेर तू बैट लाके देगा, तेरा अब्बा के कारखाने से। चलो गुलाब भाई, ये वही है तालीब जो पिछले मैंने पाकिस्तान से आया था। स्कीम और भी कातिल,
अफगानिस्तान के बच्चों की तुम सबकी क्या जरूरत है? तालीम, खाना, घर, अमन। अमन, इन बच्चों के सपनों को साकार करना ही टुमारोज होप का सपना है। सो जॉइन अस इन गिविंग दीज पीपल अ रे ऑफ होप। सलाम, सुबह खैर। इंदारी वी से इंजा खना शमास। पिछले 30 साल से हम ये तबाही झेल रहे हैं। रूस के हमले के वक्त मेरे अबू ने मुझे यूएसए भेज दिया। वहाँ पढ़ते वक्त मेरा बस एक ख्वाब था कि अपनी मुल्क वापस आकर अपने लोगों के लिए काम करूं। लेकिन वापस आए तो देखा यहाँ के हालात और भी बदतर थे। उस वक्त मेरा जान मेरी जिंदगी में आए, उसने मुझे हौसला और मकसद दिया। टुमारोज होप आज तकरीबन 1000 बच्चों और उनकी फैमिलीज का घर है। आज मेरा जी के शौहर डॉक्टर नासिर खान यहाँ हमारे साथ है। आई वुड लाइक टू कॉल हिम टू द स्टेज। सर आप इधर उधर ऐसे क्यों घूमती? आजकल हिंदुस्तानियों पर भी निशान है इनका। हैव सर्वाइव्ड फॉर 5 years आयशा। वक्त बदल गया, जज्बात और ख्याल भी। मैं जानता हूं तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन उन बच्चों के चेहरे आयशा, कुछ चीजें जिंदगी में बख्शी नहीं जाती। नासिर, एक मकसद ढूंढना भी तो जरूरी है। इन लोगों की मदद करना मेरा का मकसद था। Aren't you proud of her? जाने से पहले प्लीज एक बार उस रेफ्यूजी कैंप में आकर देखो, मेरे के सपने ने कितने लोगों को जिंदगी दी है। प्लीज नासिर। मैं परसों निकल रहा हूँ।
अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। जी सर, क्या हुई? कहाँ से आए हैं? कौन लाए? सर, एक आदमी आया आपसे मिलने के लिए, वही देखे गया आपके लिए। मुझे कह रहा था कि मुझे साहब से मिलना है, मैंने बोला साहब अभी सो रही है, आप चाहो तो मैं उसको बुला दूं। नहीं। गुड मॉर्निंग सर, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती। बैठो आप, बैठो। सर पे चढ़ा लो, पूरा घर तोड़ा दो इससे, मुझे कोई मतलब नहीं। ऑफिशियल लेटर आ गया, काबुल एम्बेसी में पोस्टिंग है, अगले संडे जाना पड़ेगा। नासिर, आई एम मिसिंग माय वर्क। अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन ऑन माय माइंड। मैं हमेशा से वहां के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना खुद का एनजीओ खोलूंगी। क्राइसिस जहां, मेरा वहां। सर, आपके लिए चाय। चलाते हैं, दिन में दो शिफ्ट बच्चों के होते हैं ताकि सब अपने हिसाब से अटेंड कर सके। वहाँ जो टेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और वो हमारा मेडिकल क्लिनिक है। ये पूरा रेफ्यूजी कैंप टुमारो होप ने अडॉप्ट किया है। मुझे एक मिनट आपसे बहुत जरूरी बात करें। नसीर, आई विल बी बैक।
देखो ये आज फिर से आ गई। ए, तू आज फिर से आती? इसका तलाशी करो, रोज रोज का ही को आती। बावरा, बार बार क्यों आती है? एक मिनट हटो। क्यों आते हो यार? बस सिर्फ ये बचा है मेरे पास उसका। तालिबान के हमले का जवाब नाटो ने हमारे क्रिया पे दिया। मेरा खानदान, मेरा घर, सब कुछ तबाह हो गया। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि कौन कब आके उसके मासूम दिमाग में ये जहर डाला था। वो कहता था कि आर्यन उसका छोटा भाई जैसे दिखता था, बहुत प्यार करता था वो उससे, बहुत प्यार करता था। मुझे माफ कर दो, मेरे न्याज को माफ कर दो। न्याज एक नेक लड़का था। अल्लाह हम सबको रहमत और सब्र अता करे। तेरे बंदों को हुआ क्या है?
अब्दुल्ला वो थोड़ा उस तरफ करो। ए चपलस 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 नासिर, खुदाए नफराती, मुझे लगा कि आप चले गए। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ, ऑफिस भी तो शुरू करना है। आयशा, लोग कहते हैं कि मिलिटेंट्स अमेरिकन हवाई अटैक से ड्रोन अटैक से डरते हैं, लेकिन नहीं, तुम कुछ ऐसा कर रही हो जिससे उनको डर लग रहा है। मैं हूं तुम्हारे साथ। You're mad. मुझे आपके टुमारोज होप में नौकरी मिल सकती है। आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेल? वो मुझे जोर से मारा नहीं चाहता, पर मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। क्रिकेट का शौक तो मुझे भी है, खेलेंगे एक दिन। ओके ओके। अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम की ये जीत यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान और नया हौसला ला रही है। ये जीत पूरे मुल्क के लिए बड़े ही फख्र की बात है। मेरी प्रॉब्लम टू द वर्ल्ड शुड बी सॉल्व्ड बाय यू प्लेइंग मोर क्रिकेट मैचेस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। तालिबान के स्पोक पर्सन ने मैच शुरू होने से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन करके टीम को बेस्ट विशेस दी। अरे नासिर साहब, माशाल्लाह, ये आप हमें कहाँ पर ले आए मैच खेलने के लिए? अरे यार, जो खुले में खेलने का मजा है ना, वो कहाँ मिलता है। हाय बेल। हाय। हाय रे। लेट्स गो एंड प्ले। आर यू रेडी? यस, कम ऑन। उधर माजे कैंप में सब अमेरिकाई और बाहर के लोग आया है। क्रिकेट का मैच हमारे ग्राउंड में, बॉल बैट पैड सब है उनके पास, और वो भी है वो ना जो नीचे लगाते हैं वो देख, इनके पास तो असली लेदर का बाल है। मुझे इनका बाल बहुत पसंद आया। मुझे तो इनका बैट बहुत पसंद आया। अगर मुझे वो बैट मिल जाए तो मैं तो अच्छा बैट्समैन बन जाऊंगा। अरे इनको तो खेलने ही नहीं आता। अब बिना जूते के बिना बीच के खेलते, इन लोग सच्चा ही खेलते। गुलाब भाई जान, पूछो ना, हम भी खेले क्या? पूछ पूछ सर, पूछा क्यों नहीं?
पूछना चाहिए था ना। लाला जान। ए! अरे तेरी तो शक्ल ही खराब है, देख के ना बोल दिया। कौन आया? वही तो सर छक्का। ओए अरे अरे दास साहब, सर भागो भागो भागो। तशक्कुर, बहुत अच्छा भेजता, आज तो मजा आया। गुलाब भैजान, ये लो हर रोज आएगी इधर। ए सादिक। हाँ। आज हमको खिलाएगा क्या? क्या मालूम, पूछे क्या? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब हमारे को खिलाया गया, ये हमारे ग्राउंड है। ये तो पब्लिक का ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी खेल सकता है। चलो आप लोग बैठो, चलो चलो चलो। अरे क्या खा क्या ये, हर बॉल भी छक्का मार। Hey motherfucker! वो तुमको बुला रहा। Hey kid, don't say that. इधर खेलना है तुम लोगों को? हाँ हाँ हाँ। जाओ वहाँ पे, चलो जाओ। लाजी लाजी लाजी। ये नाम क्या तेरा? गुलाब। बॉलिंग करेगा? हाँ। देखो गुलाब भेजान। वही खेलना है तुम लोगों को, आ जाओ। हम लोग को नहीं खेलना आप लोग के साथ। ले ले जान, मेरे को भी बॉलिंग कराना। हाँ करेगा? हाँ। बोल दो बोल दो। चलो चलते, यहाँ कुछ नहीं रखा। हाँ चलो यार। बहुत अच्छा कर रहा है, आफरीन। खेलते है ना बाज। अरे चल नहीं खेलना, चल। ननक अपन ननक रोशन सर। इन सब को हमने पाकिस्तान में ट्रेन किया, तुमको ये सब बचा हमारे लिए ढूंढना है। हमारे कैंप पर अमरीकी हमला हुआ तो इनका फैमिली इनको यहाँ छुपा के ले आया। हमें खबर है कि यहाँ काबुल के महाजर कैंपों में है। ये बच्चा हमारा सरबाज है, हमारा आदमी ही तो मदद करेगा, ये तुम्हारा फर्ज है। अपना मुल्क के लिए, अपना कौम के लिए, अपना दीन के लिए। अल्लाह सुभान व तआला को ये सब मंजूर नहीं है, छोटे बच्चे हैं ये सब। तुम जहाद के नाम पर क्यों गुनाह का लिबास पहना रहे हो? जहाद तो मुकद्दस है, जो मासूम और इंसानियत की हिफाजत के लिए बना है। हम उनका गुनाहगार नहीं बनेगा। हिदायत सबको नहीं दी जा सकती है, सिर्फ उसको दी जा सकती है जिसमें मानने का जज्बा हो। मामा मक्का वो हो रहा है, साफ़ तो पारा लगता है, इधर हक पकड़े, इधर हक खबर इधर टकड़े, इधर हक खबर इधर टकड़े, इधर। ओले कानो, नंस्टासन निशाना, दागना, दागना। आपके लिए मैं स्पेशल कावा बनाई, अफगानी कावा।
सर आपको पता है जिंदगी में दो चीजें होनी चाहिए, अफगानी कावा और अफगानी क्रिकेट मैच। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता, अपना अफगानी टीम ने इसके आगे पाकिस्तान हिंदुस्तान सब फेल है। मेरा मतलब हिंदुस्तान फिर भी चलता है लेकिन बाकी कोई नहीं टिक सकता है। ओई चका। इन बच्चों के दिलों में मैंने हौसला देखा है, आंखों में सपने देखे हैं। इनको सिर्फ एक मौके बिताना चाहिए। मैं यहाँ आपके रेफ्यूजी कैंप में बच्चों के लिए क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहता हूँ, जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग होगी, फिर सिलेक्शन होगा और अच्छे खेलने वाले बच्चों को काबुल क्रिकेट क्लब में माजी ट्रेनिंग ली जाएगी। और इंशाल्लाह हो सकता है कि इन्हें कभी अफगान क्रिकेट टीम में खेलने का मौका। इन बच्चों के माँ बाप नहीं, घर नहीं, सब कुछ उजड़ गया। किसी ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? ख्वाब हमारे हैं, हमारे हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। आप सब में हिम्मत है इतना सब होने के बाद। मैंने भी अपना सब कुछ यहीं खोया है। चलो हम सब मिलके साथ ढूंढेंगे। अच्छा ये बताओ, ये बैटिंग कौन अच्छा करता है? और बोलिंग? गुलाब बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, मगर अली शेर ने उसको आउट किया था। अली शेर तो बहुत ही अच्छा स्पिनर है। ओ खुदाया, लो टीम बनी नहीं और फसाद शुरू। संभालो इन दीवानों को। कप्तान तो मैं या बाज बनेगा। बाज इधर आ। ये दीवाना स्त्री बकवास करता है। गुलाब से बड़ा कोई प्लेयर है नहीं इस कैंप में। है ना बाज भाई? बाज इस तालिब में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरा मुकाबला करे। ये तालिबान का हिमायती बोलता है कि तालिबान हमारे मुल्क का तरक्की चाहता है। शैतान को मारेगा तो जन्नत में ही जाएगा। ये हमारी कायदा हमारा फौज को तालिबान से लड़ाता है, अफगान को अफगान से लड़ाता है। कुत्ते का बच्चा, इनको क्या बोलता? मेरे को बोल। यही बोलता कि तू तालिब की औलाद, तेरा पूरा खानदान तालिबान का आदमी, तेरा अब्बा, तेरा मामू जान और तेरा पापा बेगैरत गद्दार। मेरा बाबा पुलिस में था, मेरा बाबा को तालिबान ने मारा। हम बड़ा होके आर्मी का कप्तान बनेगा और तेरे जैसा तालिबान को मार गिराएगा। और मैं बड़ा होकर तालिबान बनेगा और तुझ जैसा बेगैरत और गद्दार लोगों को मारेगा। इसके बहुत ज्यादा तालिब कहीं बैठे वो कातिल। कातिल नहीं, मुजाहिद शहीद है वो। ए, रुक, भागता किधर है? हमने कमर बंद की है, मुजाहिद किसी से नहीं डरता। मेरे को वालिदैन का इजाजत है, मैं हर दुश्मन का गला काटूंगा। खुदा हमारे साथ है, मेरे खून में फितरत है, मैं दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बम से भी और इससे भी। मेरे को वालिदैन का इजाजत है, मैं हर दुश्मन का गला काटूंगा, हर दुश्मन पर हमला करूंगा और इसको शिकस्त दूंगा। छोड़ दो
ओए बाज, ओए रुक, ओए ओए बाज रुक। तुम मुझे पसंद नहीं करते। दूसरे मुल्क के लोग भरोसे के लायक हैं। चले जाओ वापस जहाँ से तुम आए हो। मैं हिंदुस्तान से आया। मैंने सुना है कि तुम एक बहुत जांबाज खिलाड़ी हो, फास्ट बॉलर भी और खतरनाक बैट्समैन भी। मैंने सुना है तुम पहले फौज में थे। हाँ, फौज में था लेकिन डॉक्टर था, लोगों की मदद करता था, उनकी जान बचाता। तुम्हें पता है पूरी दुनिया की नजर आज अफगान क्रिकेट टीम पर है। उनकी जीत, उनकी कामयाबी पे हैरान है सब लोग। मुझे भी तुम जैसा एक जाबाज खिलाड़ी की जरूरत है। बाज लाला जाट जैसा तो कोई नहीं कैंप में, यहाँ भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं। चुप छो, देखो वहाँ आके खेलो, तुम सबसे आगे निकलोगे। अरे खेलो मत, लेकिन आना जरूर, समझे? ओए बाज, 2 बजे। ये सब क्या चल रहा है? ये तो ऐसे ही खेलते अच्छे टीम में। हाँ कोच, खेलने दो ना हमको, क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? शट अप, जाके प्रैक्टिस करो, कैचिंग प्रैक्टिस करो, जाओ। नसर भाई, मुझे लगता है जो पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप से लड़का आया है ना, वो अच्छा खेलेगा, ये इनसे नहीं होगा। अरे कितनी बार कहा है बैट और पैड, बैट और पैड साथ में होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। बात दिमाग में नहीं आती क्या? टीम कैसे बनेगी? अच्छी बैटिंग कर रहा, ओके? हाँ कोच। तड़प रहा है खेलने के लिए लेकिन अकड़ नहीं जा रही। अरे भाई जान, वो पख्तून बच्चे, एक बार दिल दे देगा तो फिर जान देने को भी तैयार है। अरे जान नहीं चाहिए मुझे यार, टीम बनाना है टीम। ये गुलाब है ना, गुलाब हमारा ओपनिंग बैट्समैन रहेगा। घोषबाग, घोषबाग बॉल देना। बैट देखते हैं फूटा था कि नहीं। अरे तालिब, लगता है तेरा भी वक्त खत्म हो गया है, तुझे भी जानूम भेजना पड़ेगा तेरी अम्मी अब्बू के पास। कुत्ते का बच्चा, इधर आ, पूरा काबुल में नंगा करके घुमाएगा तेरे को। चुप 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 चुप, गेम पे ध्यान दो, गेम पे। आज आखिरी दिन है सिलेक्शन का, आखिरी दिन। कल से बाहर के नए बच्चे आने वाले हैं खेलने के लिए और बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग, प्रैक्टिस करो। ये वाहिद है,
भाई इमलाल बहुत खतरनाक बॉलर है, लवली हाई एंड एक्शन पेस भी है और खतरनाक अग्रेशन भी, सर संभाल के खेलना। ये क्या है कोच? मतलब ये हजारा है और हम पठान पश्तून, हम इनके साथ नहीं खेल सकता। अरे क्यों नहीं खेल सकता, ये लोग भी खिलाड़ी है। गुलाब तुम पहले बैटिंग करना, डर गया क्या? कोच तुम बाहर वाले हो, तुम्हें अफगान के तौर तरीके नहीं मालूम। पश्तून हजारा दुश्मन, हम मेरे कोई नहीं खेलेगा इस कैंप में। अना खुदा बख्श, हम ही नहीं खेलेगा इनके साथ। अना गुलाब, अना लिशे, हम बिल्कुल नहीं खेलेगा। हमने कहा था ना कोच, ये लोग हमारे साथ नहीं खेलेगा। डरपोक, खाक तुझसे रात पे सर। ए लेवानिया, डरपोक किसको बोलता? चल बॉल करा, चल सादिक। चल। इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। कोच, वहाँ जाके बैठो। यस सर। हजारा क्या हुआ, बॉलिंग कराना भूल गया क्या? ए भूल गया क्या? अरे तू ठीक तो है ना? अरे क्या करते है? और गुलाब गेट अप, मान गुमशो है और कोई पठान का बच्चा? गुलाब भाई जी सब ये इधर ताली आ गया, इन्हें तो बैट भी खेल लिया। अरे चलो हाथ मिलाओ। बोला खैर मतर फकर। ए, ए, बुरी बात नहीं बेटा, छोड़ छोड़। ये हट हट, कोई बात नहीं। बोला गया, बोला बोला।
पहली गेंद बॉल ने शॉट मारा, नीचे फील्डर है और ये बॉल पीछे से चली गई और शलोरीज। और ये दूसरी गेंद बॉल ने और एक शॉट मारा नीचे। क्या शॉट मारा है, बात कर सकते हैं? मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं हूंगा। यह है मेरा बेटा आर्यन, इसे भी क्रिकेट का बहुत शौक था। आज वो तुम्हारी उम्र का होता। कहाँ है वो? हिंदुस्तान में। वहां अपनी अम्मी के पास। सुना है अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। तुम्हारी जितनी तबाही तो नहीं देखी मैंने, लेकिन अपनों को खोने का गम मैं समझ सकता। ये हुनर, ये जिंदगी जो तुम में है, ये सब खुदा की नीमत है। इसे ऐसे मत कहो, तुम क्रिकेट में बहुत अच्छे हो। सार पखेर, सार पखेर, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, जोर अस्तु, जोर अस्तु, जोर अस्तु। देखो मुझे पश्तून भी आया। कुछ ठीक है, हमें ऑक्सीजन मास्क ये देख। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलके एक खतरनाक टीम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़े खतरनाक प्लेयर्स की जरूरत है। लोग ऐसा ना बोले कि रेफ्यूजी कैंप के लड़कों को क्रिकेट नहीं आती। सही है सर। हाँ सर। अब्दुल्ला। जी सर। अरे इब्राहिम वाहिद, इब्राहिम वाहिद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल से वाहिद और इमलाल हमारी टीम में खेलेंगे। कोच, इनके खिलाफ खेलना एक बात है, पर ये हमारे टीम में नहीं आ सकता। तुमको पता है ये छोटा इंसान हम लोगों के सामने कहा था ये सब गंदा लोग है। जबान जबान रानी, क्या लगा रखा ये सब? मुझे एक अच्छी टीम चाहिए बस। कोच, तुमको खिलाने गए तो खिलाओ, हमारे मसले में मत पड़ो, है ना? ठीक है, मेरा काम कोच करना है तो मैं तुम्हें कोच क्यों करूं? चलो अब्दुल्ला। कोच, 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 कोच। गुलाब भाई चलो हम लोग खेलते हैं, कोच नाराज इसके लिए नहीं आएगी। तो बोलता ही फालतू है सादिक, क्या जरूरत थी तुझे कोच के सामने ऐसा बोलने की? क्या तुम लोग कभी नहीं खेलने का था नाजार के साथ?
चलो कोई लोग क्या चला रही है अंदर नहीं जा सकती हमको कोच से मिलना कौन सी कोच इधर कोई कोच नहीं है चलो रोको निकलो इधर से रोको इनको तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो जाओ यहाँ से अरे खार चुप जा पश्तून भाई भाई अच्छा जाओ प्रैक्टिस करो टाइम वेस्ट मत करो कल टेस्ट है तुम्हारा चलो 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 आज मैं बोल नहीं करेगा ये बच्चा मेरे जहन से निकलता ही नहीं छोटा सा था जब इसने खड़ा होके अपनी मोर को कुर्बान होते हुए देखा दियारे मगरिब के रहने वालों खुदा की पस्ती है ये अफगानिस्तान ये है वो आवारा जुनून सहरा के जो इन बस्तियों को फिर से आबाद करें लिखा है इनके चेहरों पे ये बाज फिर से होशियार होगा बॉल फेंकेगा मैच में तो हम जैसे बॉलर का क्या खुशामदीद आई एम शरियार खान हेड कोच काबुल क्रिकेट एकेडमी जी बैठे तो आप हिंदुस्तान से आए हैं ना जी बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं आपके ये रिफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं इनमें बहुत इंस्टिंक्ट है टैलेंट है अच्छा खेलते हैं नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग बस इन्हें थोड़ी टेक्निक की कोचिंग चाहिए डिसिप्लिन तो मैंने काफी हद तक इन्हें सिखा दिया है अगर आप इन्हें कोचिंग कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी लेकिन असीद साहब मैं थोड़ा फ्रैंक टाइप का बंदा हूँ ये जो रिफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं इनकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है ये सुनकर बड़े होते हैं कि फिदायन बनो जन्नत मिलेगा आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं मेरी माने तो आप इस आफत से दूर ही रहे मैं भी बहुत फ्रैंक टाइप का आदमी हूं और आज मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूं कि ये बच्चे खेलेंगे और इनकी टीम बनेगी ही बनेगी मुतअस्सिफ़ नसीर साहब आप तो नाराज हो गए देखे मेरी बात को समझने की कोशिश करें अच्छा एक शर्त लगाते हैं एक दिन इन्हीं में से एक लड़का अपने जिस्म के ऊपर बम बांधकर खुद के साथ न जाने कितने मासूमों की जान ले लेगा शरिया साहब एक शर्त तो लगेगी ही लगेगी मेरी टीम आपकी टीम के साथ खेलेगी और अगर मेरी टीम आपके अंडर 16 टीम से जीत गई तो आप ये काबुल एकेडमी में उनको ट्रेनिंग देंगे और अगर मेरी टीम हार गई
तो मैं अपने जेब से आपको $4,000 दूंगा। चैलेंज एक्सेप्टेड नसीर साहब। बट आई विल सी यू ऑन द फील्ड। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हरपाल सर है, प्यार से हम इन्हें बिल्लू कहते हैं। बिल्लू। आज से ये तुम्हारे कोच है, ये आपको ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? सलाम वालेकुम कोच। तुम पख्तून है? हाँ हाँ, पंजाबी पख्तून है। चलो ग्राउंड के 6 चक्कर काटो, चलो भागो। चलो चलो पाजी, अफगानिस्तान गोली कहीं से भी आ सकती है पाजी, क्यों मतलब? तू टेंशन ना ले, सब ठीक है। ओ नहीं 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 पाजी, मैं अपना जुगाड़ करके आया हूँ, ये देखो। कमाल। पाजी मैं सोच रहा सी अपन प्रॉपर गियर, प्रॉपर इक्विपमेंट, स्पेशल डाइट की जरूरत है। अपना कोई स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ नहीं है पाजी? उबेद, स्पॉन्सरशिप का कुछ हो सकता है? उबेद बता रहा था कि क्रिकेट खेल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, हम भी देखता है टीवी पे। ये हमारे साहब का तस्वीर, ये तस्वीर तुम अपना टीम के बैनर पे लगाना। हम शरियार से भी बात करेगा कि वो क्रिकेट का जगह आपको मिल जाएगा 3-4 घंटे के लिए। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गए समझे कि नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश। कल रात एक नाटो एयर स्ट्राइक में तालिबान के मरकजी हाइड आउट जो काबुल के पास की पहाड़ियों में था, उस पर कार्रवाई की गई। खबर के मुताबिक तालिबान के सीनियर सरबरा मुल्ला मोहम्मद कजार और हबीबुल खान हमले के दौरान वहां मौजूद थे और एयर स्ट्राइक में दोनों हलाक हो चुके हैं। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين غدار اور مغربی لوگ کابل میں بے خوف بیٹھا ہے اب ہم ان کو وہیں گھس کے مارے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حال ہی میں مغربی فوج نے ایک اور زوردار حملہ ہمارے خلاف کیا تبصرہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم عبد القزار اور کماندان حبیب اللہ اس حملے میں مارا گیا ہم مرتا نہیں ہم شہید ہوتا ہے جذبہ جنون مکمل اور ارادہ زوردار جواب دینے کا
तालिबान को तबाह करने की कोशिश करने वालों के लिए ये ऐलान है, जिस दिन तालिबान तबाह होगा पूरा मुल्क पूरा दुनिया तबाह होगा। खुदकुशी हमलावार जो हमें कहते हैं वो जाहिल हैं। हम तो फिदाई ही हैं, इंतहारी हैं, और फिदाई होना हमारे लिए हक का बात है। अब हर चीज पे सख्ती होगी, सिनेमा पे, मौसिकी पे, हर जगह हमले होंगे, हैरात में, कुंदुज में, अमरीकाई मरकजों में। काबुल विल ब्लीड नाउ। सर तुम टीवी नहीं देखते, टीवी पर खबर लगाओ, पूरे शहर में धमाका हो रही, तबाही तबाही। आज अफगान दारुल हुकूमत काबुल से 20 किलोमीटर मगरिब की ओर एक हमले के दौरान 40 लोग हलाक। कहा जा रहा है कि ये एक फिदाई हमला था जिसका निशाना हाल ही में हुए ग्रेजुएट पुलिस अफसर थे। नंदे काबुल पुजीनूब की पुमिली उर्दू बांधे हम। बस रेशा आज मैं तुम सबको दिखाने के लिए कमाल का मैच लाया। अरे बाज खुशबख्त और बक्कर है, वो नहीं आया। नहीं आया? क्यों नहीं आया? जाओ बुलाओ उनको। कोच वो लोग तो कल से ही नहीं आ रहा। वो कल बख्त का ममोन और ममोनजाद भाई आया था, वो लोग उनके साथ कहीं चले गए, उसके बाद से कहीं दिखाई तो नहीं दिए। देखो बोलो उसे कि ऐसे प्रैक्टिस मिस नहीं करे, फाइनल बहुत नजदीक में है, समझे? कोच पास के कैंप में और भी लड़के खेलने वाले, उनको लेके आऊं? तुम्हारी जगह उनको खिलाऊं? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अस्सलामु अलैकुम। शुक्र खुदाए, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी अपने मकसद पे हो, वो रास्ता कभी भूलते नहीं,
बहुत उदास किया बास। तुम्हारा मोर ने कहा, एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, अब तक तो बेकार इरादों में ही कट गई। जिस जिंदगी को हम फक्र से गुजार रहे हैं वो गर्द है, पर बास तो वो जिसके पैर कभी तूफान में भी हिलते नहीं देखे। क्या करोगे, क्या करोगे जब खुदा हिसाब मांगेगा, खुद भी शर्मसार, तुम्हारा आगा तुम्हारा मुर्जा भी शर्मसार। दिल तो हमेशा करता था कि मैं भी कुर्बान हो जाऊं, फिर किसी ने कहा तुम लोग तो जान से मार देते हो। तुम्हारा सवाल लाजिम है बस, और मुश्किल भी। ये जो तुम्हारी आंखों में सवालनामा है ना, उस हर बात का जवाब दूंगा। Nothing. The house is empty. मैं और लोगों से बात करती हूँ, okay? कोई गल नहीं पाजी, बच्चे मिल जाएंगे, हाँ? जो आप चाहते हैं। फसाद फितने हर सू क्यों, अमन अब खो गया है। कौन ये बारूद गुलशन की हवा में बो गया है। बद्दुआ किसकी लगी इंसानियत को क्या पता, बेगुना मासूम चीखे क्यों है यू बिखरी बता। इन बेगुनाहों की खता क्या है, आखिर इसकी इंतहा क्या है। साहब कैसे हो? आयशा जी सलाम अलैकुम, कैसे? अरे मेहरबान से, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त नासिर साहब हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। खैरियत दे, इस मुल्क में हाथ हमने वाले तो काफी आए, पर हाथ ना छोड़ने वाला कभी नहीं मिला। अरे ये भी हमारे दोस्त हैं, सोच रहे हैं कि दौलत इस्लामी अफगानिस्तान के पास एक दरख्वास्त करें कि अफगानिस्तान के सभी डिटेंशन सेंटर और यूथ रिमांड होम को बंद करके क्रिकेट क्लब खोल लें। रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले बच्चे टेररिस्ट नहीं होते, बल्कि वो टेररिज्म का पहला शिकार होते। अरे उनके हाथों में बल्ले पकड़ा कर देखें, इस तरक्की के रास्ते को देखकर सबसे नाखुश तो तालिबान है कि ये बच्चे उस तरक्की के रास्ते को अख्तियार ना करें।
नासर भाईजान, ये खाइए आप, अफगानिस्तान का स्पेशल कबाब है। उबेद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताएं ना भाईजान। मुझे कजार से मिलना है। ये बहुत डेंजरस है। मैं कुछ सोचता हूँ भाईजान। नासरबाजन यही अली है, ये हमको लेके जाएगा। मुझे कजार से मिलना है, उससे कुछ बातें करनी है ये तीन बच्चों के बारे में। चाचा, चाचा, की घोड़िया मशुमान चाहिए तुम्हें, बच्चे चाहिए ना, वो मेरे शेर है, मेरी जुमरी है, ये बच्चे मेरे सरबाज है। बस का गलेश कोशगा समाधान ऐसा जुनून क्या मकसद है तुम्हारा? हमें क्रिकेट से कोई तकलीफ नहीं, मगर ये बच्चा, ये हमारा सिपाही है, इनको बड़े काम के लिए तैयार किया है हमने। वो बहुत सुना है आपके बारे में, रूह कांपती है अफगानिस्तान की आवाम की फौज की। लेकिन मुझे आपसे कोई खौफ नहीं, इन मासूम बच्चों को भी हक है छोटी छोटी खुशियों का। मासूमियत तो उस दिन खत्म हो गई थी जब इन बच्चों ने सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा। तकलीफ हमें इन बाहरी मगरीबी मुल्कों ने दी, हमारे कौम को तबाह कर दिया। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि किसी की उम्मीदें ना छीनो। इन बच्चों को जरूरत है उम्मीद की, एक भरोसे की, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए। मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए तो हम लोग सब कुछ कुर्बान करके इन पहाड़ों में बैठे हैं, लड़ रहे हैं। तुम्हारा मकसद क्या है? इन बच्चों को क्रिकेट खिलाना या दिल में कोई और बात है? तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो अपने मकसद के लिए, और मैं और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं इन बच्चों के लिए। देखते हैं कि अल्लाह किसकी नमाज कबूल करता है। तू दूसरे किस्म का शैतान है।
मगर मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। दुनिया का हर मुल्क हर इंसान तुम्हें खत्म करना चाहता है। मैं तुम्हें हराने नहीं आया कसार, मैं तो तुम्हें जीतने आया हूं। बच्चों को उड़ान लेना जरूरी है। सिर्फ एक मैच खेलने के लिए इन बच्चों ने अपनी जान लगा दी है। हम तालिबान भी क्रिकेट खेलते हैं, हमको पसंद है। मुझको बॉलिंग पसंद है। तुम एक नेक आदमी हो, दिलेर हो, बेखौफ हो। मेरा दिल किया, मैंने तुम्हें माफ किया। इनके इरादे एक नेक काम में लगे हैं। मैं उनको रास्ते से गुमराह नहीं कर सकता। तुम अपने मुल्क जाओ और इन बच्चों को अपने ईमान पर रहने दो। अगर ईमान पक्का है तो वो गुमराह क्यों होंगे? अगर वो डगमगा गए तो वो ईमान नहीं, बहकावा है। बस एक मैच, ये मैच एक मिसाल बन सकता है। सिर्फ एक मैच, पूरी दुनिया की नजर है इस मैच पे। पहली बार मीडिया इन बच्चों को देखेगा, पूरा अफगानिस्तान इन बच्चों को देखेगा। सिर्फ एक मैच, सिर्फ एक हजार। खैर दे, खैर दे। सिर्फ एक मैच, फिर जल्दी करना होगा। इस जुम्मे को मैच रखो। क्यों नहीं आ रहा था खेल? कैच पकड़ो। कम ऑन गुलाब। बोला आपसे कुछ बात करना था। कोच ने मैं को, बास को और खुशबख्त को वो दुआ करने के लिए मस्जिद बुलाया है। बैठो। जरूर जाओ, लेकिन याद रहे ये लड़ाई हम पर फर्ज है। हमारी दुनिया इनसे बहुत अलग है। सुनो, कोच से कहना कोई होशियारी नहीं, हमारी नजर हर वक्त उस पे है। पूछ लेता सो। हम इस बात पूरी दुनिया के सामने करना चाहते हैं
कि बाहरी मुल्कों ने, नाटो ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर जबराना जुल्मा कब्जा किया है, और सबसे ज्यादा गम इस बात का है कि हमारे अफगानिस्तानी फौज भी हमारे इस नेक काम के खिलाफ है। We have an idea about those refugee boys. Okay, we know they probably met with Quasar and his men, and they're probably meeting with militant groups right now. NATO aur Afghan fauj ko humse bahut mukhalifat hai. Nafrat karta hai hum mujahidon se. Isi mukhalifat ne hamari umr ke naujawanon ki shakhsiyat ko sawara hai. Isliye hamari umr ke naujawan padh likh kar in kafiron ke khilaf lad rahe hain. And this Nasir, he's completely crazy. Okay, this whole cricket match, I'm thinking it was a bad idea. Dushman ke liye ek aisa lashkar taiyar hai jise maut se ishq hai. Jiske liye fidai hamla fakr ka baat hai. Aane wali naujawan naslon ko is qurbani ki misal di jayegi. I trust those boys. They cannot hurt anybody. Khan, they're trained soldiers. They are just innocent boys who are being entrapped. I hope you're right. I really do. Inshallah, shohrat ki bulandi chand lamho ke liye sahi. Hame ye tamashe roz karne honge. Zarur. Mera ghar bahut khoobsurat. Hame khoobsurat pahadi par rehta tha. बारह दिन का पूरा खानदान एक ही दिन में तबाह हो गया। बस अब मेरी कब्र की जगह है वहां। हमारा गांव में कई दिनों से गोलाबारी होता। जब लड़ाई बंद हुई तो हमारी मोर ने हमें दुकान से खाने का सामान लाने को भेजा। गोलियों से तो बचना हमारा खेल था। मुझे लगा मेरे भाई का पैर फिसल गया, वो जमीन पे था। हमारा चाचा जान बोला कि वो बाहर का सिपाही था। मोर हमेशा कहता था, नेक दिल इंसान बन, किसी को नुकसान मत पहुंचा। फिर एक दिन सब कहता है कि मैं तालिबान का बच्चा। मैंने सुना था फिदाइन होना फक्र की बात। यही खोया था मैंने आर्यन और मीरा को, उसकी आखिरी मुस्कुराहट यही देखी थी मैंने। जब मैं सोता हूं ना तो ऐसा लगता है कि एक पूरा सपना था। मैं उनके साथ बातें करता हूं, आर्यन के साथ क्रिकेट खेलता हूं, ऐसा लगता है वो जिंदा है। लेकिन जब आंख खुलती है जितना दुख मुझे आर्यन को खोने का, उतना ही दुख न्यास का भी।
قتل دار شے او بولے people attending the match today. You know, this is a very unique match because for many, it's a symbol of hope and pride, especially for the young kids. यहाँ आया और हमारे यहाँ के माजर कैंप के रिफ्यूजी बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाया। माशाल्लाह, नेक बंदा लगता है। और इसी के साथ काबुल जूनियर ने जीता टॉस। हमारे बदलते अफगानिस्तान की तस्वीर देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहा है देख रहा है कि हमारे बच्चे कैसे क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे दहशत भरे माहौल में खुशियों के पल कम ही नसीब होते हैं ये तेरी जीत है बस शबाश अच्छे से बॉलिंग करना है लाल तो टीम तोरबाज की तरफ से पहली गेंद लेके आ रहे हैं इमलाल इमलाल की ये पहली बॉल वाइड बॉल और ये लेफ्ट साइड में खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ गेंद अली शेर के हाथों में रन आउट का मौका बनते हुए अरे 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 इन्होंने रन आउट का एक बढ़िया मौका गवा दिया यकीनी तौर पर फ्री हिट मिलता है इस तरह के नो बॉल पे और ये फिर से वाइड बॉल टीम तोरबाज लाल कब से बोल रहा हूँ टीम तोरबाज के खेमे में काफी मायूसी नजर आ रही है और कप्तान गुलाब भी काफी परेशान बॉल पकड़ लगता है कोई नतीजा निकला नहीं सलाम मशवरे से एक मजीद नो बॉल ओवर स्टेपिंग की वजह से टीम तोरबाज थोड़ी घबराई हुई है और ये फिर से चौका अरे सर में कुछ पीने को लाते काबुल जूनियर्स का स्कोर है 20 रन बिना किसी नुकसान के अगला बॉलर है खुशबख्त अब तक तो ये मैच मुझे एक तरफा ही नजर आ रहा है बिल्कुल जनाब बजा फरमा रहे हैं आप पकड़, पकड़, पकड़। आज किस्मत ही खराब है बल्लेबाज ने बेहतरीन स्वीप शॉट का मुजाहरा किया और इसी के साथ चार और इस चौके के साथ स्कोर हुआ है 42 रन बिना किसी नुकसान के और इस चौके के साथ काबुल जूनियर्स का स्कोर हुआ 5 ओवर में 53 रन Hey, boy!
छोटा बच्चा आया है बॉल फेंकने के लिए और ये पहली ही वाइड बॉल पर एक्स्ट्रा 4 रन। फायदा क्या है इस सब तमाशे का, पूरे शहर में बड़ा टेंशन का माहौल है। जरा नजर रखिएगा इन बच्चों पर भी, सुना है इस कैंप में बड़े सिंपेथाइजर्स हैं। करियर साहब, हम अपना काम सही से कर रहे हैं, आप अपना फिक्र कीजिए, आपका टीम मुश्किल में आ सकता है। और ये अगली बॉल सादिक की, अगला ओवर इमलाल का, देखते हैं इस ओवर में ये क्या करते हैं। और ये अगली बॉल, और पहले ओवर के बेहद खराब मजारे के बाद हैट्रिक पर खड़े हैं इमलाल, और ये हैट्रिक विकेट, 3 बॉल पे 3 विकेट। इमलाल का ये कमाल हो गया पहला ओवर से बहुत खराब ओवर, वाकई काबिले तारीफ वापसी की है इमलाल ने। बैट्समैन से ऊपर उछाल दिया है और विकेट की गेंद के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कैच पकड़ लिया और ये विकेट की छड़ी लगा दी गेंद पर, बाद में स्कोर हो गए 149/6। और ये आउट देखिए, एक और विकेट हो गया, स्कोर 156 पे 7 विकेट आउट। पकड़ 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 पकड़, मुझे तो अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 166 रनों का स्कोर चेंज हो पाएगा। Watch the ball, play the shot, correct? Nasir sir, बहुत अच्छा खेल रही है आपकी टीम। Thank you, coach. I'm sorry to hear about your brother, sir. Nasir sir, ये अफगानिस्तान अब मुर्दों की बस्ती बन चुका है। हम जैसे कुछ लोगों ने वर्दी डालकर इन लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जनाब, के 165 रनों का स्कोर कोई कम नहीं होता है, खासतौर पर जब आपके सामने काबुल जूनियर्स की तरह एक्सपीरियंस टीम खड़ी है। और ये चौका, देखा मैं कह रहा था ना कि अपने मशहूरों पर दम है बहुत। तो घर पे बैठा है नसीर साहब, उनको खिलाने की क्या जरूरत है, भागे तो वो खुद भागे।
लगता है अंपायर भी वाइड के साथ नहीं है, अब वाइड को खुद ही दौड़ना पड़ेगा। कैप्टन गुलाब इस वक्त नहायत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए माशाल्लाह चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं और वाहिद ने बॉल उठा के मारा है और ये सीधे फील्डर के हाथ में और फील्डर से मिसफील्ड हो नहीं भाग पा रहे वाहिद, गुलाब वापस लौटते हुए यहाँ से और ये जबरदस्त थ्रो बॉलर जॉइंट पे और ये आउट, शानदार रन। दो बार टीम का स्कोर 38 पे 2 विकेट आउट और उनका 103 पे 2 था। अरे भाई इनका 38 पे 2 है। टीम के वाइस कैप्टन बाज मैदान में आते हुए अब देखिए अपना क्या कमाल दिखाते हैं। और ये पहली बार पेपर लग घुमा के बाज में आते ही अपनी टीम के झूठते हौसले को फिर से एक बार दे दी है। वाइस के लिए दौड़ना अभी भी मुश्किल हो रहा है और ये बाज की पारी में दीवाना कर रहे हैं। फिलहाल तो वही कर रहे हैं भाई। मुझे जाना पड़ेगा, लग रही हालत खराब है। हाँ अली सर, हाँ वापस आ। सईद इमरान यू गो। और ये इमरान के बल्ले से शानदार छक्का। अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं इमरान, बस इस फॉर्म को बरकरार रखें तो बेहतर है। अरे वाह इमरान ने तो छक्कों की लाइन लगा दी है। लेकिन वो कैच आउट हो गए। 98-4 टीम तोरबाज, काफी मायूसी टीम तोरबाज के खेमे में। और तोरबाज के अगले बैट्समैन खुशबख्त। अरे अफजल भाई, खुशबख्त का मतलब पता है आपको? बताएं। अरे खुशबख्त का मतलब होता है गुड लक, खुश और बख्त, मतलब अच्छा किस्मत। वाकई अच्छी किस्मत आया है क्योंकि जब से ये आया है तब से मैच देखने वालों का जोश देखते ही बन रहा है। दोनों अच्छे बल्लेबाज साथ में खेल रहे हैं और काबुल जूनियर्स के लिए अब मुश्किल की घड़ी है क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है। खुशबख्त ने बाहर निकलकर बॉल को हवा में उड़ा दिया और ये 4 रन। नहीं पाए खुशबख्त, टीम तोरबाज 138 रन पे 5 विकेट। ये खुशबख्त भी गया, आपका गुड लक तो गया जनाब। हाँ लेकिन अगला बैट्समैन बख्त आया है। अरे गुड लक तो गया लेकिन बख्त यानी किस्मत अभी भी हमारे साथ है। बॉल बचे हैं और अभी भी 28 रन बाकी हैं। और ये बख्त ने सिग्नल ले लिया, अब स्ट्राइक है पास के पास। आजा,
लेकिन बॉस ने मना कर दिया। और अगली बॉल, अरे बॉक्स खुद को बचा नहीं पाए, लगता है काफी चोट लग गई बॉक्स को। और ये अगली बॉल, आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए टीम तोरबाज को जीतने के लिए। छह बॉल 21 रन। और ये देखिए छोटा सा दिन आया खेलने को, स्ट्राइक बास के पास है, छह बॉलों पे 21 रनों की जरूरत जीत के लिए। ये पहली बॉल और बाल ने चौका जड़ दिया, 5 बॉल पे 17 रनों की जरूरत। अगली बॉल और बास का स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑफ पे छक्का। लगता है मैच जल्दी खत्म करने के चक्कर में बास 4 बॉल पे बस 11 रनों की जरूरत है। माशाल्लाह आगे जाने को बोला है, जाइए जाए। दूसरे रन की मांग पर नहीं, सागर ने तो साफ मना कर दिया। बोला था ना तुझे दो पढ़ना है, समझ में नहीं आता क्या? आउट हो जाता है ना। पे 10 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पे है सादिक। ये रही अगली गेंद और सादिक ने बल्ला घुमा दिया है और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन ले लिया। अरे इसके हाथ से बैट ही छूट गया। 2 बॉल पे 9 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पे है पास। बाज के लिए अगली गेंद और बाज ने सुखुमाया और ये छक्का। अब तो टीम तोरबाज बस जीत के पहाड़े पे खड़ी है, 1 बॉल और 3 रन की जरूरत। दौड़ते हुए
की टीम तोरबाज ने वो कमाल किया है अफजल मियां, जो अफगानिस्तान की तारीख में दर्ज होगा। बेशक जनाब, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मत कर बेटा। सब ठीक हो जाएगा। मोर जान होती तो मुझ पे जरूर फख्र करती। ये मैच मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मंजर था। क्या कुर्बानी सिर्फ हम बच्चों को देनी है? हबीबुल्ला तैयार, दे कुर्बानी दे पारा।
बादशाह के पास आओ। बचाओ बाज अपने इरादे से कभी हिलता नहीं। जा काम मुकम्मल कर अपना। मुझे जन्नत अकेले नहीं जाना चाचा जान, साथ में चलते हैं। ये हमारा वायदा है, तुमको हारना नहीं देगा। कोच मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं हो पाया।